वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। सप्ताह भर इंतजार करवाने के बाद आखिरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 16 विभागों में संचालित 41 कोर्स में प्रवेश के लिए हुई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET का रिजल्ट रविवार को देर शाम जारी कर दिया है। 41 कोर्स की 2515 सीटों के लिए विश्वविद्यालय ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसमें आरक्षित वर्ग की 1200 से ज्यादा सीटें होंगी। इसके चलते एजेंसी को अलग से रैंक निकालना पड़ेगी, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। फिलहाल विश्वविद्यालय ने नए प्रारूप में रिजल्ट देने पर जोर दिया है। वैसे काउंसलिंग में हिस्सा लेने वालों को CET की मेरिट के आधार पर ही सीट अलॉट होती है। CET इस बार 2 चरणों में हुई थी, इसके चलते विश्वविद्यालय की सारी प्रक्रिया लेट हो गई। CET के पहले परीक्षा सेंटरों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, NSUI और ABVP ने विश्वविद्यालय में हंगामा किया था। उनकी मांग थी कि इंदौर के परीक्षार्थियों को इंदौर में ही सेंटर दिया जाए। इसे लेकर छात्र नेताओं ने कुलपति डॉ. रेणु जैन का घेराव किया था। वहीं पूर्व CM कमलनाथ ने भी इसे लेकर ट्वीट किया था। छात्र नेताओं की इस मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने NTA के अधिकारियों से चर्चा कर CET 2 चरणों में करवाई थी। खास बात यह है कि इंतजार के बावजूद जारी रिजल्ट में कैटेगरी की रैंक नहीं दर्शाई गई है, यहाँ तक कि मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। अब विद्यार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि वे ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें विश्वविद्यालय के कौन से कोर्स में प्रवेश मिलेगा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ST SC OBC और फीमेल कैटेगरी में रैंक नहीं होने से काउंसलिंग करवाने में थोड़ी परेशानी आई है। विश्वविद्यालय से संचालित कोर्स की सीटों को जनरल, ST SC OBC फीमेल कैटेगरी में बांटा है। हर बार ओवरऑल रैंक के अलावा अलग अलग रैंक भी निकाली जाती है, मगर इस बार एजेंसी ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी है। NTA ने कुल अंक, प्राप्तांक और रैंक बताई है, कैटेगरी के रैंक का कोई जिक्र नहीं है। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक एजेंसी कैटेगरी की रैंक बनाकर देगा, उसका डेटा एजेंसी जल्द ही भिजवा देंगी ताकि विश्वविद्यालय काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर सके। उस दौरान विद्यार्थियों को अपनी कैटेगरी की रैंक भी नजर आएगी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।